बानी, ये क्या हरकत है? किसी के प्यार और खलूस को ऐसे ठुकराते हैं क्या? मुझे नहीं चाहिए किसी का प्यार और खलूस, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। यार फिर वही फजूल बातें, तुम्हारा मसला क्या है? मैं सिर्फ गुरमीत से प्यार करती हूँ और मुझे वापस जाना है उसके पास। भानी देखो मेरी जान, गुरमीत अच्छा लड़का नहीं है। कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें एक ही बार, और वैसे भी उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे इंटरेस्ट है तो सिर्फ तुम्हारी दौलत में और तुम्हारे बैंक बैलेंस में। ऐसी बात नहीं है, He just loves me. नहीं मेरी जान, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, और हम कैसे देख सकते हैं तुम्हें बर्बाद होते हुए? देखो बानी, जो इंसान आपके साथ सिंसियर होता है ना, जो आपसे प्यार करता है, उसकी आंखों में नजर आ जाता है। उसकी आंखों में वो खलूस, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो अपनाइयत नजर आ जाती है। और जो इंसान मतलबी होता है ना, उसकी आंखों में दिख जाता है कि वो सिर्फ अपना मकसद निकालना चाहता है और कुछ भी नहीं। लिसन, मुझे ये लेक्चर नहीं सुनना। ये मेरी जिंदगी है, जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूंगी। बानी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, व्हाई आर यू जस्ट स्पॉइलिंग योर लाइफ? बानी प्लीज यार। वाहिगुरु, अब आप ही कुछ करो यार। यहाँ आपके घर में होने वाले मजाजी खुदा को सलाम नहीं करते? क्या मतलब है आपका? अभी भी आप मतलब पूछ रही हैं? चंद दिनों में हमारी मंगनी होने वाली है, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं अगर कुछ चाहिए हो तो। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अभी अबू घर पर नहीं है। जब वो घर पर हो आप तभी आया करें। अब तो आना जाना लगा रहेगा ना? देखिए वो बात की बात है, अभी आप यहाँ से जाएं। ये बदतमीजी है वैसे नूर जी, घर आए मेहमान को चाय पानी भी नहीं पूछेंगी। अगर अबू यहाँ होते मैं जरूर आपकी तवाजो करती, लेकिन अभी आप यहाँ से चले जाएं। बहुत रूड हैं वैसे आप। प्लीज आप चले जाएं यहाँ से। ओके, जा रहा हूँ, आप अपना मूड ना खराब करें प्लीज, मैं फिर आऊंगा। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकती। माने डैड, तू किस लहजे से गल कर रही है? आई जस्ट कांट डू दैट। आप जैसा सोच रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तेरा कनाडा नहीं, ये पाकिस्तान है, तो जो मैं सोचा ना वही होना है, समझा ले तू? मैं क्या समझाऊं, मैं इसे किसी काम के लिए मजबूर तो नहीं कर सकती ना। अच्छा, तो हुन तू ही यदि सैड ले रही है तो और क्या करूं, मैं तो खुद खुश नहीं हूं यहाँ आकर। मैं इनू इतने एडजस्ट करना है, टेक करना है, बस। दिमाग खराब हो गया, तो समझदी माँ प्यो की इज्जत का मतलब ही नहीं होता। डैड आप प्लीज रिलैक्स करें, मैं समझाऊंगी बानी को, समझ जाएगी वो, आई एम श्योर। आप प्लीज गुस्सा ना किया करें, आपको तो पता है ना कि आपका बीपी हाई हो जाता है, आप फिर भी गुस्सा करते हैं डैड। मैं थानू उस गंध चो इस वास्ते कट के लिया सी कि वो गंध मेरे सिर च ना पै जाए, पर वो बर्बाद होना चाहती, मैं अपनी अखां दे सामने उन्हें बर्बाद होता किवें वेख ला? डैड बानी अभी छोटी है,
उसे नहीं पता वो क्या कर रही है, उसका जो दिल कहता है ना वो कर देती है। लेकिन डैड मेरा यकीन कीजिए, आप उसे एक बार प्यार से समझाएंगे ना तो वो समझ जाएगी डैड। ट्रस्ट मी डैड, आप मेरे साथ अंदर चलिए, आप रिलैक्स हो जाइए। आई प्लीज प्लीज आप अपना ख्याल रखें और प्लीज आप ज्यादा स्ट्रेस ना लीजिएगा। मैं खुद बात करूंगी बानी से, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिठाई, मगर ये किस खुशी में? मैंने अहमद का रिश्ता तय कर दिया। किससे? उसी से जिसको वो चाहता था। इतनी जल्दी? मगर अहमद तो मुझे बता कर गया था कि उससे उसकी बात भी नहीं हुई। हाँ तो बात करने की क्या जरूरत है, इत्तेफाकन उस लड़की का बाप मेरा मकरूज निकला, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। अच्छा तो तुमने उस मजबूर बाप की मजबूरी से फायदा उठाया और बेटी से पूछे बगैर रिश्ता भी कर लिया। पूछने की क्या जरूरत है माँ जी, उस लड़की को इज्जत और एहतराम के साथ दुल्हन बनाकर हवेली में लाएंगे और उसे वही मुकाम मिलेगा, वही इज्जत मिलेगी जो दूसरी दुल्हनों को मिलती है। इज्जत और मकाम? क्या मुझे और रुखसाना को वो इज्जत और मकाम मिला वहां? माँ जी कभी तो हमारी खुशी में खुश हो जाया करें। कैसे खुश हो जाओ? तुम लोग हमेशा मजबूर लोगों की कब्र बनाकर अपनी खुशियों के लिए उस पर नाचते हो और मैं इतनी संगदिल नहीं हो सकती। मेरे पास आपकी इन बातों का कोई जवाब नहीं है। और जवाब हो भी कैसे सकता है? खैर जो मर्जी करते रहो, मैं कौन होती हूँ तुम्हें समझाने वाली। ये बताओ कि रुखसाना कैसी? पता नहीं, मैं नहीं जानता। क्या मतलब? वो अस्पताल से भागकर कहीं चली गई। और तुमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? मेरी बलास है, जाती है तो जाए। रुखसाना की तकलीफों के लिए अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ना जाने वो कहाँ होगी और किस हाल में होगी। और चालाक है वो, जहां होगी अच्छी भली होगी। है तुम्हारी मर्जी, मैं कौन होती हूँ तुम्हें समझाने वाली। अल्लाह हिदायत दे तुम लोगों को। क्या बात है, तुम हर वक्त रोती रहती हो, तुम्हारा अपना कोई नहीं है क्या? हलिया, आलिया, आलिया मेरी बहन, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं लेकिन तुम्हारा दुख समझ सकती हूं मैं। आलिया तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, मैं तुम्हारी बहन रुखसाना, तुम्हारी पुप्पो की बेटी। पता नहीं क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आलिया शुक्र है तुम अब्बू के आने से पहले आ गई। लेकिन नूर हुआ क्या, तुमने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? मैं बहुत परेशान हूँ सोने। लेकिन हुआ क्या यार,
मेरे अब्बू ने मेरा रिश्ता तय कर दिया सोनी। क्या? ये तो बहुत खुशखबरी की बात है, लेकिन तुम परेशान क्यों हो? मैं भी शादी नहीं करना चाहती। ओहो, तो मत करो। किसने कहा है करो? मेरे अब्बू को नहीं जानती। मुझे पता है वो जल्दी मेरी शादी कर देंगे, क्योंकि वो कई बार ये बात कर चुके हैं मुझसे, और एक हफ्ते बाद मेरी मंगनी भी है। देख लू, तो अपसेट मत हो, और वैसे भी मंगनी करने में क्या हर्ज है? देखो, मैंने भी तो की है, और तुम मंगनी के बाद अंकल को कुछ भी समझा बुझा के मना लेना। सोनी, तुम मेरे अब्बू को नहीं जानती, उनके लिए मैं सिर्फ एक बोझ हूँ, जिससे वो जल्दी छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। अच्छा नूर, तू अब ये सब बातें मत सोच, और फिलहाल तो तू मुझे ये बता कि वो कौन है हैंडसम जिसको हमारी परी मिलने वाली है? हाँ हाँ, बताओ। पता नहीं, अबू के किसी दोस्त का बेटा है, अहमद चौधरी नाम है उसका। क्या, अहमद चौधरी? हाँ। ओ गुरमीत, फोन उठाओ। Damn it. तुम खुद को समझती क्या हो? जाओ प्लीज, अपना काम करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुम्हारी वजह से मेरे डैड को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने नहीं कहा था उनसे कि वो मुझे यहाँ लेकर आए अपने साथ। Just shut up, it's enough. मुझे लगता था कि वक्त गुजरने के साथ साथ तुम समझ जाओगी, संभल जाओगी, लेकिन नहीं, डैड बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम ठीक हो ही नहीं सकती। You know what? तुम्हारी यही हरकतें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। और पता है तुम्हें, उस वक्त तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, ना वहां पे मैं मौजूद होंगी और ना ही डैड होंगे। अभी भी वक्त है, सोच लो। तो फोन उठाओ। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अब उनकी हालत कैसी? अब तो उनकी हालत बेहतर है, लेकिन जब उनको यहाँ लाया गया था तो तब उनकी हालत बहुत खराब थी। वो हर वक्त अपने बच्चे और शोहर को पुकारती रहती थी, ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी। जो भी हादसा इनके साथ हुआ है, उसके बहुत गहरे असरात इनके दिल और दिमाग पर मुरतब हुए हैं। वो अपना सारा माजी भूल गई हैं, सिवाय अपने बच्चे और शोहर के। तो क्या इनका कभी कोई इनको मिलने के लिए नहीं आया? अभी तक तो नहीं। मुझे इजाजत दें, मैंने एक पेशेंट को देखने जाना है। अल्लाह हाफिज। पता है ये कौन है? कौन है? मेरा अब्दुल्ला है, मेरा चांद जैसा बेटा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे नाराज हो गया, पता नहीं चला गया है कहीं, मुझसे मिलता भी नहीं है। इसका पान नहीं।
मुझे पकड़ लेती है। रुखसाना, तुझे तो पता है ना, तेरी हार मेरे हाथों लिखी है। कभी ना कभी तो जीतूंगी। अच्छा? हाँ। और अगर हमें एक ही लड़का पसंद आ गया तो क्या करेगी तू? तो मैं छीनूंगी उसको तुझसे। अच्छा, तो तेरी ये मजाल। अच्छा अच्छा, मजाक करी थी। मेरी क्या मजाल कि तेरी पसंद को पसंद करूं? और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो तेरे रास्ते से हट जाऊंगी। चल पगली, तू तो बहन है मेरी, जान है तू मेरी, तुझ पे तो मैं अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दूं। करो बेटा, हम लेट हो रहे हैं, मूवी का टाइम निकल जाएगा यार। आ गई बस भाई, आ गई, आ गई बस, चलो। हाँ, बाल तो सही बने नहीं है। दे बेबे, किसी फैशन शो में नहीं जा रही, मूवी देखने जा रहे हैं यार, चलो। आप तो चाहते नहीं है मैं अच्छे लगूं और लोग आपकी तारीफ करें। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। अच्छा सुन, अपना ध्यान रखी। अच्छा मामा। अच्छा मेरी बात सुन, वो तो कोई गंदी मंदी शय ना खा। अच्छा मामा, और कुछ? कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ जरूरी काम है, 15 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा। ये अचानक शहर से बाहर जाने का प्लान कैसे बना तुम्हारा? पहले से कंफर्म था, सुबह कॉल आई मुझे तो रात को जल्दी जाना। अहमद, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। प्लीज यार, अब फिर से मत शुरू हो जाओ। मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए होता है अहमद। यार दे तो रहा हूं तुम्हें तुम्हारा वक्त। हाँ दे रहे हो मुझे मेरा वक्त, जब तक तुम्हें 1000 कॉल्स नहीं करूं तुम नहीं आते। देखो बंटी, तुम बिजी होती हो इसीलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, और वैसे भी तुम जब अपने शोज के लिए बाहर जाती हो तो मैंने कभी पूछा? मेरे बिजनेस टूर्स होते हैं। और तुम किस लिए शहर से बाहर जा रहे हो? बाप के खर्चे पर तो जिंदा हो तुम। स्टे इन योर लिमिट्स। एनीवे ठीक है तुम जाओ, लेकिन मुझे एग्जैक्ट दिन बताओ कि तुम वापस कब आओगे। जाकर बता दो। क्या हो गया तोरा? मैं फिर से ड्रेस चेंज कर लिया, मुझे सुकून नहीं मिल रहा ड्रेस में, क्यों किया? भाई मैं ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी इसलिए मैंने चेंज कर लिया। एक बात बताओ, वैसे तुम्हारी मिस नूर कैसी है? बिल्कुल ठीक। तुमने इनवाइट नहीं किया उन्हें मूवी पर? ओह मैं तो भूल गई, लाए अपना फोन दे, अभी इनवाइट कर लेते हैं। वाकई? जी। ये रहा, लाउड स्पीकर ऑन करना, ठीक है? हेलो, कैसी हैं आप टीचर? तारा आप इस वक्त खैरियत तो है? जी टीचर, मैं और अमर भाई मूवी देखने जा रहे हैं तो सोचा आपको भी ले चलें। आप जाएंगी ना? नहीं तारा, आप जाओ, मैं नहीं आ सकती। क्यों टीचर, प्लीज चलें ना, बहुत मजा आएगा। तारा मैंने आपसे कहा है ना मैं नहीं जा सकती।
हेलो जी। हेलो, आपकी तबीयत तो ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि आपकी तबीयत ठीक है, क्योंकि आप परेशान लग रही हैं। कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। नहीं थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप मूवी पे जाएं, एंजॉय करें, बाद में बात होती है। हेलो हेलो, सियापी बानी आपी कहाँ है आप सब? सियापी तारा, ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज यार, कैसी हो? हाय अमर, कैसे हो? आई एम गुड। बहुत अच्छा किया कि तुम दोनों यहाँ पर आ गए। अब एटलीस्ट हमारे घर में भी तो थोड़ी सी रौनक लगेगी ना। मैं और अमर भाई मूवी देखने जा रहे हैं और आपको बानी आपी को लेने आए हैं। जल्दी से तैयार हो जाए, पहले ही काफी टाइम हो चुका है। बस हम अभी तैयार हो जाते हैं। बानी या पता नहीं क्या कह रही है, बस एक मिनट में आएगा। अमर एक मिनट। हाँ छोटी, तुम्हें क्या लगता है कि वो आएगी? कोई बात नहीं, फिर कभी सही। सत श्री अकाल। चल दोनों एक साथ देखते हैं। पता नहीं कब सुधरी है लड़की। कितना अच्छा मौसम है ना बेटा, आज तुम्हें कैसे ख्याल आ गया कि इतने अच्छे मौसम में अपनी दादी को लेकर बाहर निकलो? मैंने सोचा इतने अच्छे मौसम में मेरी प्यारी सी दादी बोर हो रही होंगी तो उन्हें घुमाने ले जाऊं। हाँ बेटा, दिल का मौसम अच्छा हो तो सब मौसम अच्छे लगते हैं। और इस वक्त तो तुम्हारे दिल का मौसम तुम्हारे चेहरे से छलक रहा है। दादी मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। आमीन। बेटा प्यार में सबसे जरूरी चीज इज्जत होती है। प्यार में इज्जत ना हो तो प्यार नहीं रहता, जरूरत बन जाता है। जी दादी। एक बात तो बताओ, तुम्हें कभी भी अपनी माँ के खो जाने का ख्याल नहीं आया? दादी दुख तो मुझे बहुत है लेकिन मैं क्या करूं, मैं चाह कर भी वो जज्बात नहीं पैदा कर सकता जो एक बेटे के माँ के लिए होने चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हें बदजन ही इतना कर दिया गया कि वो तुम्हारे दिल से निकल गई। लेकिन बेटा माँ माँ होती है, उसका कोई बदल नहीं हो सकता और उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। ले आ,
बिस्मिल्लाह। कोई बात करनी है बेटा? जी। हाँ बोलो। तो मैं बोलो ना बेटा, क्या बात है? तो मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्या? क्या बकवास कर रही है? अब मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरी जिंदगी का बहुत अहम फैसला है और मैं चाहती हूँ मैं ये फैसला खुद करूँ। तेरी ये मजाल कि तुम मुझे जवाब दे। चुप! मैं तेरे सारे लक्षण समझता हूँ, इसीलिए तुझे इस घर से जल्दी दफा करना चाहता हूँ। वो अभी की बात मुझे मार क्यों नहीं देते? काश मैं ऐसा कर सकता। काश। क्या करूं? नहीं कर सकता, बाप हूं ना। लेकिन तू एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगा और हर हाल में होगी, समझी? दफा हो जाए तो सोच भी नहीं सकता तू एडा बैड़ा बिहेव करेगी। ओ डैड, अब हम उन गैरों के लिए मेरी इंसल्ट करेंगे। वो गैर नहीं है के, मेरे अपने ने। पर मेरा नहीं तो उस निक्की जी ने बची दे ख्याल कर लेती। मुझे वो लोग पसंद नहीं है डैड। तू इस काबिल ही नहीं कि साडे दरमियान रह सके, चल दफा हो। हमें बानी का साथ देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। क्यों डांट कर वो मजीद परेशान हो जाए? वो नई नई पाकिस्तान आई है, उसे उसे यहाँ के कल्चर का नहीं पता। चलें, बहुत टाइम हो गया, अब जाके आराम कीजिए और तारा को भी लेके जाइए। चल मेरे दी, चल उठ, उठ मैं तेरे सुआ मेरा बच्चा। आजा मेरे दी, सो जा। तू मेरी गल नहीं समझ रहा? ओ मैं तेरी सारी गल समझ रहा, आ तू गलत करन लिया। देख प्रेशर पा के बच्चियां नूं समझाईदा नहीं हुंदा। तन्या तैनू नहीं पता, बाहर रह के मेरे बच्चे बिगड़ गया। मैं उन्हें ते प्रेशर पा के डरा के धमका के ते किसी तरह सीधा करना चाह रहा। आई तो तेरी गलत सोच आ, और देख
तियां ते होंदी ही मासूम ते नाजुक मोह वर्गी पर प्यार नाल उन्हां नूं जिदा मर्जी टाल लो। मेरी गल नूं समझने की कोशिश कर मेरा वीर, उन्हें थोड़ा होर टाइम दे, नहीं तां नो प्या तू अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लो। ठीक है यारा, मैं तेरी गल मन के वेख लेना। वाहेगुरु की कृपा नाल सब ठीक हो जाओ। हाँ सब ठीक हो जाओ। मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है। मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा देखा है। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा, मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें सोता हुआ चांदनी रात में। आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई दी रात, उनको भी हुआ ये महसूस कि ये रात फिर नहीं होगी। एक नजर मोड़कर देखने वाले कई खैरात फिर नहीं होगी। सादा हुआ चांदनी रात में, उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। लुट गए हम पहली मुलाकात में, आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई दी। हम लोगों के लिए एक औरत को तलाश करना तो बहुत मुश्किल होगा। आप बेफिक्र रहिए, मैंने तमाम थानों में मैडम की तस्वीर भेज दी है, जल्दी कुछ पता चल जाएगा। तुम लोग तलाश करना चाहो तो भूसे में भी सुई तलाश कर लेते हो, और अगर ना करना चाहो तो कुछ भी नहीं। ये आपका नजरिया चौधरी साहब, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ढूंढ निकालेंगे मैडम को। ठीक है, मैं अब चलता हूं।
मजनू साहब। तुझे अपनी माँ की फिक्र भी है या नहीं? मामा बची नहीं, जहां होंगी ठीक होंगी। तुझे तो आजकल बस अपने इश्क की पड़ी है, बाप किस हाल में है कोई परवाह नहीं। आलिया चाची की परछाई के पीछे लगकर आपने सारी जिंदगी मामा को अपनी अना और गुस्से की भेंट चढ़ाया। वो भागती ना तो क्या करती? तेरे तो मुंह लगना ही बेकार है। तुझे अपना इश्क लड़ा, ढूंढ लूंगा मैं उसे।